हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 में एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसके साथ एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें आपको जीएसटी पढ़ना है। तो अभी आप सब जानते हैं कि अभी आपका एग्जाम जो है वो जून महीने में होने वाला है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के प्रिपरेशंस नहीं हुए हैं, तो आपको अभी प्रिपरेशंस काफी अच्छी तरीके से करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किए तो सेमेस्टर 4 में केटी लगने के चांसेस ज्यादा है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टॉपिक है कैश मैनेजमेंट। ऑलरेडी आपने इस टॉपिक को प्रीवियस ईयर में पढ़ लिया था, जिसको हम कहते हैं कैश बजट। तो आज हम थोड़ा सा कैश बजट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैश बजट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आपने अभी तक लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और एक कोर्स भी अवेलेबल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी और टैक्सेशन का भी, जीएसटी का, सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा सिस्टमैटिक फॉर्मेट में। और एक अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है, फ्लैट 150 रुपीज का ऑफ चल रहा है ओनली फॉर 100 स्टूडेंट्स। तो 150 स्टूडेंट्स के लिए ये जो 100 स्टूडेंट्स के लिए 150 रुपए का ऑफ चल रहा है। तो आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं, और अगर नहीं भी एनरोल करना चाहते हैं तो आपको काफी सारे वीडियोस फ्री में मिलने ही वाले हैं। एज वेल एज आपको इस ऐप के अंदर सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी फ्री में मिलने वाले हैं। तो ऐप डाउनलोड करना ना भूले, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टॉपिक की बात करें कैश बजट, तो बेसिकली कैश बजट है क्या? कैश बजट हमको मंथली बेसिस पे जो हम बजट बनाते हैं उसमें हम इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश को रिकॉर्ड करते हैं। जब कभी भी आप कोई भी चीज को सेल्स करते हो तो सेल्स यूजुअली कैश सेल्स में होता है और क्रेडिट सेल्स में होता है। तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करें, कितने डेटर्स हमको कैसे पैसे दे रहे, कितने मंथ्स का क्रेडिट ले रहे हैं, all these points we are recording in cash budget. So cash budget is very simple. Whatever inflows of cash we are receiving, we will record in the receipt side, and whatever outflows of cash we are seeing, we will record on the payment side. तो जितने भी आप पेमेंट्स करोगे, क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे, वेजेस का पेमेंट करोगे, कोई एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स का पेमेंट करोगे, ये सारी चीजें आपकी पेमेंट्स में आएगी। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, रिसिप्ट्स को हमको ऐड करना है, उसमें से पेमेंट्स को हमको डिडक्ट कर देना है, एंड देन वी विल बी गेटिंग दी आंसर क्लोजिंग बैलेंस। तो एक मंथ का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले मंथ में हमारा ओपनिंग बैलेंस बनेगा, एंड सिमिलरली द प्रोसीजर गोज ऑन। ये बेसिक चीज है कैश बजट का, इसको डिटेल में सीखते हैं। चलते हैं स्क्रीन पे, एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से एडजस्टमेंट्स आएंगे। तो लास्ट तक बने रहे, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें, ताकि अगले बार जब मैं वीडियोस डालूंगा तब आपको इसके बेसिस पे नोटिफिकेशंस मिलने चाहिए। और रिवीजन के सेशंस भी आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, और अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द कोर्स को चेक करें, बिकॉज ऑफर सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो मिलते हैं हम कैश बजट के बेसिस पे कैसे आपको पॉइंट्स को ध्यान रखना है। तो प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ्स बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे है 6 मंथ्स। तो बेसिकली यहाँ पे है 6 मंथ्स, जनवरी से जून कहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो 6 मंथ्स होंगे। हैव जैन टू जून डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। सेल्स है, मटेरियल्स है, मटेरियल्स आर रिलेटेड विद क्रेडिटर्स। वी हैव वेजेस, वी हैव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव प्रोडक्शन कॉस्ट, वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं ध्यान से। कैश सेल्स आर 50% ऑफ टोटल सेल्स, तो कैश सेल्स 50% होंगे। Assets are acquired in the month of February and April, and provision for the payment of rupees 40,000 and 25,000 to be made respectively. Credit allowed to debtors is 1 month. Bank loan of rupees 30,000 was received in the month of May. Dividend of rupees 35,000 to be paid in the month of June. Sales commission at the rate 2% of cash sales and 5% of credit sales is to be paid in the same month. Creditors and other overheads are allowed credit of 1 month. तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा है। पहले हम एक काम करते हैं, सेल्स को लिख लेते हैं और फिर बाकी के पॉइंट्स में जाएंगे। तो पहले हम हमारे वर्किंग नोट में सेल्स को कॉपी कर लेते हैं। जनवरी का सेल है आपका 72,000, फरवरी का सेल है 97,000, मार्च का सेल है 86,000, अप्रैल का सेल है 88,600, मई का सेल है 1,02,500 एंड जून का सेल है 1,08,700. तो कैश सेल्स इज गिवन टू यू 50%. अगर हम 72,000 का 50% देखेंगे तो वो आएगा 36,000. तो आपका बैलेंस भी बचेगा सेम 36,000. 97,000 का 50% दैट कम्स टू 48,500 ओवर हियर. सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा 48,500. फिर 86,000 का 50% करेंगे तो यहाँ पे आएगा 43,000. यहाँ पे भी आ जाएगा 43,000. 88,600 का अगर हम देखेंगे तो दैट विल बी 44,300. सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा 44,300. यहाँ पे 50% विल बी 51,250 और यहाँ पे भी आ जाएगा 51,200. यहाँ पे अगर देखें तो आ जाएगा 54,350 और यहाँ पे भी आ जाएगा 54,350. अब अगर हम कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की बात करें तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के लिए यहाँ पे 1 मंथ का क्रेडिट बोला है. तो काफ़ी सिंपल पॉइंट है, यही आपको ऊपर से कॉपी करना है क्रॉस. तो इसको हम यहाँ कॉपी करेंगे तो दैट विल बी 36,000, देन इट विल बी 48,500, देन इट विल बी 43,000. ऊपर का ही कॉपी कर रहा है. Then it is 44,300 and finally it is 51,250. तो यही आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है. यहाँ पे कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हुए बिकॉज सेम था. तो टोटल कर लेते हैं. टोटल भी वही आएगा 36,000, देन इट्स 48,500, देन 43,000. ऊपर का कोई वैल्यू मत ले लेना वरना गलत हो जाएगा. 44,300, 51,250. तो मटेरियल्स के लिए अभी मटेरियल्स का सारा डेटा पहले कॉपी कर लेते हैं. मटेरियल्स के लिए भी 1 मंथ का क्रेडिट है तो ज़्यादा कोई कैलकुलेशन है नहीं. 1 मंथ छोड़ के आपने हमें लिखना है. मटेरियल्स क्वेश्चन में है 25,000 गिवन, फर्स्ट में, सेकंड में है 31,000, फिर नेक्स्ट में है आपका 25,500, फिर नेक्स्ट में आपको दिया है 30,600, देन नेक्स्ट मंथ में है 37,000, देन नेक्स्ट मंथ इट इज 38,800. बस वही काम कर रहा है. पेमेंट टू क्रेडिटर्स बिकॉज मटेरियल्स आर ऑलवेज रिलेटेड विथ क्रेडिटर्स, परचेजेस आर ऑलवेज रिलेटेड विथ क्रेडिटर्स, दे आर द सप्लायर्स. 1 महीने का क्रेडिट है. यहाँ पे एक डैश दे दो और यही वैल्यूज को ऊपर से कॉपी कर लो. यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ वरना कन्फ्यूज हो जाएगा कि आपको कैलकुलेशन में क्या प्लस करना है. कोई प्लस नहीं करना है, इसको क्रॉस कॉपी कर लेना है यहाँ पे वरना आप 25 + 25 कर देंगे गलत हो जाएगा. 25,000 ऊपर का ही 1 महीने का क्रेडिट है 31,000, 25,500, 30,600 एंड 37,000 ओवर हियर. बस अभी इसी का टोटल लिखना है. तो फर्स्ट मंथ में तो कुछ है नहीं, यही आपका टोटल बन गया 25,000, 31,000, 25,500, 30,600 एंड 37,000. थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी सारे पॉइंट्स है इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं. सेल्स कमीशन आपको दिया है एडजस्टमेंट 2% ऑन कैश सेल्स बोल रहा है और 5% ऑन क्रेडिट सेल्स का. सेल्स कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट. सेल्स कमीशन उन्होंने कहा 2% ऑन कैश सेल्स. तो हमने कैश सेल्स अभी कैलकुलेट किया है 36,000 बराबर. तो 36,000 का हमें कितना परसेंट ढूंढना है? हमें 2% ढूंढना है 36,000 का एंड 5% क्रेडिट सेल्स पे. फटाफट लिख रहा हूँ अमाउंट, आप कैलकुलेट करके देख लेना. सेम ही आएगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो फर्स्ट में आएगा 720, क्रेडिट सेल्स का 5% करोगे तो आ जाएगा 1,800. सेकेंड में इट विल बी 970 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2425. थर्ड में आ जाएगा आपको मार्च में 860 और यहाँ पे आ जाएगा 2150. देखो 2% कैश सेल्स पे ढूंढना है और 5% क्रेडिट सेल्स पे कैलकुलेट कर लेना। अप्रैल में यहाँ पे आ जाएगा 886 और यहाँ पे आ जाएगा 2215, देन यहाँ पे आपको आ जाएगा 1025 और यहाँ पे आपको आ जाएगा 2563, देन यहाँ पे आपको आ जाएगा 1087 और यहाँ पे मिल जाएगा 2718। तो इट्स वेरी कैलकुलेटिव and it's very simple also because we are only going to calculate 2% on cash sales। तो जो भी आपके cash sales हमने अभी calculate किए थे उसके ऊपर 2% मैंने लिया है और जो आपके credit sales थे उसके ऊपर 5% हमने लिया। उस तरीके से हमारा calculations हो चुका है। अभी calculations होने के बाद इसका total करना पड़ेगा। तो 1 जनवरी से शुरू करते हैं total को। इसका total हमारा है, first का total आ जाएगा 2520, then it's 3395, then it's third का 3010, then it's P101, then the second last is P588, then it's P805। इस तरीके से हमारे calculations हो चुके हैं। वी हैव डन विद द कैलकुलेशंस। जो वर्किंग नोट थे बाकी सारे पॉइंट्स के लिए उन्होंने कहा है कि 1 महीने का क्रेडिट पीरियड होगा, तो 1 महीने का क्रेडिट पीरियड देखेंगे क्या एडजस्टमेंट में बोला है। क्रेडिटर्स एंड अदर ओवरहेड्स आर अलाउड क्रेडिट ऑफ 1 मंथ। तो जहां पे भी 1 महीने का क्रेडिट बोलेंगे वहां पे आपको क्या करना है, जनवरी की अमाउंट फरवरी में लिखनी है, फरवरी की अमाउंट मार्च में लिखनी है, मार्च की अमाउंट अप्रैल में लिखनी है, अप्रैल की अमाउंट मई में लिखनी है, मई की जून में, जून की जुलाई में। तो जून के बाद हमारे मंथ है ही नहीं, मतलब इस तरीके से हमें कैरी फॉरवर्ड करते जाना है, 1-1 महीने का क्रेडिट पीरियड लेना है। तो अभी हम कैश बजट बनाएंगे, तो ध्यान से कैश बजट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमें क्वेश्चन में एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो इसी में मैं लिख लेता हूँ कि ओपनिंग बैलेंस जो है यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ ताकि आपको बाद में जब आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास ये आ जाए। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा फर्स्ट का दिया रहता है, ये इधर मैंने टाइप नहीं किया है। ओपनिंग बैलेंस जनवरी का आपके पास अवेलेबल है 72,500। तो नोट इट, 72,500 इज द ओपनिंग बैलेंस। तो नाउ लेट अस स्टार्ट पोस्टिंग कर दे। पोस्टिंग करेंगे हम। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मैं फर्स्ट में लिख रहा हूँ सेम वे 72,500। ठीक है। कैश सेल्स, तो हमने कैश सेल्स जो ढूंढे थे वही मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। तो हमने हमारे वर्किंग नोट में कैश सेल्स लिखे थे, तो 36,000 वर्किंग नोट में अवेलेबल है, वही से लिख रहा हूँ 48,500। देन द थर्ड वन वाज 43,000। अप्रैल का है 44,300, मे का हमारा था 51,250, जून का है 54,350। कैश सेल्स वी हैव रिटन। नाउ द पॉइंट अराइजेस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमने अभी वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लिया है, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये हमारा टिक मार्क है। 36,000, 48,500, 43,000, 44,300 और 51,250 को लिख देंगे। तो फर्स्ट मंथ में हमारा डैश है, तो लेट अस पुट अ डैश इन द फर्स्ट मंथ सो दैट वी कैन मूव विद द कैलकुलेशन फर्दर। यहाँ पे डैश आ जाएगा और यहाँ पे हमारे अमाउंट है 36,000, 48,500, 50% है इसीलिए सेम वैल्यू आ रही है। अगर 50% नहीं होता तो सेम वैल्यू नहीं। 44,300, 1,250। नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव अ इनकम ओवर हियर। रिसीट्स में कुछ पॉइंट है बैंक लोन का। देखो थर्ड लाइन में पढ़ते हैं, बैंक लोन ऑफ रुपीज 30,000 वॉज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ मे। रिसीव्ड का मतलब हमारे लिए पैसे इनफ्लो हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज रिसीट्स। बैंक लोन मई में मिला है, तो बैंक लोन के लिए मई में अमाउंट लिखेंगे हम। चलो बैंक लोन सभी कॉलम में डैश आ जाएगा। कितना अमाउंट मिला बैंक लोन का, 30,000 मिला, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30,000, बाकी सब में डैश आ जाएगा। फिर लेस पेमेंट्स है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आपको पता ही है फर्स्ट मंथ में डैश है बिकॉज सबके लिए एक महीने का क्रेडिट था। यहाँ पे आपका था 25,000 मटीरियल्स का, फिर 31,000, देन 25,500, देन है आपका 30,600, देन इट्स 37,000। नाउ क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट डाला है, थोड़ा देख लेते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लास्ट एडजस्टमेंट हम पढ़ सकते हैं, क्रेडिटर्स एंड अदर ओवरहेड्स आर अलाउड क्रेडिट ऑफ 1 मंथ। अदर ओवरहेड्स की अगर बात करें तो वी हैव वेजेस, वी हैव सेलिंग, वी हैव प्रोडक्शन, वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब इसमें सब में एक महीने का क्रेडिट है। जनवरी में हमेशा डैश लिखेंगे, एक महीने का क्रेडिट होगा, तो जनवरी की अमाउंट फेब में, फेब की अमाउंट मार्च में, मार्च की अमाउंट अप्रैल में, अप्रैल की अमाउंट मई में, और मई की अमाउंट जून में, जून की अमाउंट जुलाई में, लेकिन जुलाई तो है ही नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो जनवरी की अमाउंट कितनी है वेजेस की 10,000, तो उसको हम फरवरी में लिखेंगे। तो अभी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। वेजेस तो पहले मंथ में डैश मार दिया, जनवरी की अमाउंट फरवरी में 10,000, फरवरी की अमाउंट मार्च में दैट वाज 12,100, then it's 10,600, further मई में 25,000 की अमाउंट है, जून में 22,000 की अमाउंट है। फर्दर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऑल्सो सिमिलर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में फर्स्ट में डैश लिखेंगे, देन बाकी जो अमाउंट्स है आपकी जनवरी से कॉपी कर लो, यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 5,500, यहाँ पे 6,700 और यहाँ पे 8,500। देन इट्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स सेम कंसेप्ट। फर्स्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको लिखना है डैश, देन आपका प्रोडक्शन का कॉपी करते हैं 6,000, देन 6,300, देन अगेन इट्स 6,000, देन 6,500, देन इट्स 8,000। ठीक है, फटाफट फटाफट सारे अमाउंट को कॉपी कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को डैश करेंगे, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,500 एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर 1,700, फिर आपका है 2,000, देन 2,200, देन 2,500। सारे कॉपी करने सेम टू सेम। सेल्स कमीशन हमने टोटल कर लिया है, वही वैल्यू लिखेंगे वर्किंग नोट से, तो उसमें 2520 दिया है हमारा टोटल, फिर 3395 वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड, फिर हमारा थर्ड था 3010, देन था 3101, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट था 3588, देन द नेक्स्ट पॉइंट वाज 3805। देन असेट्स परचेस के बारे में एक एडजस्टमेंट है और डिविडेंड पेड के बारे में एक एडजस्टमेंट है, देख लेते हैं। फरवरी और अप्रैल में असेट्स परचेस का प्रोविजन करना है 40,000 एंड 25,000, 40 और 25, और डिविडेंड पेड किया है 35,000। कौन से मंथ में, जून में पेमेंट किया है, तो 40, 35 और जून में डिविडेंड का पेमेंट है, तो वो भी कर लेंगे अभी। तो असेट्स परचेस कौन से मंथ में परचेस किया था, फरवरी में, उसका प्रोविजन करना है, यहाँ पे डैश दे देंगे 40,000 ओवर हियर द मंथ ऑफ फरवरी एंड 25,000 इन द मंथ ऑफ अप्रैल। बाकी किसी भी मंथ में मत लिख देना डैश डैश। और डिविडेंड जो है वो हमारा लास्ट मंथ में आएगा, जून में, सिंस वी आर पेइंग इन द मंथ ऑफ जून एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ 35,000। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें सिर्फ क्लोज करना है और क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना है। तो पहला स्टेप है हमारा, जनवरी का क्लोजिंग करेंगे, तो जनवरी का रिसिप्ट का टोटल आएगा 1,08,500, आप करके देख सकते हैं। फिर सिमिलरली पेमेंट्स का करना है, फिर माइनस करना है, फिर पेमेंट्स का आपका टोटल आएगा, एक ही पॉइंट है पेमेंट में, यहाँ पे 2, टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट, ए माइनस बी करना है, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 1,01,00,000 5,980 1,05,980। इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस करके लिखेंगे। दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस इन द मंथ ऑफ 1,05,980। फिर इसको प्लस कर देना, यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा 1,90,480। फिर पेमेंट साइड जाते हैं। पेमेंट साइड में क्या है, साइड में बहुत सारी चीज़ यहाँ पे पेमेंट का टोटल आता है 89,895। तो अगर A माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1,00,585 1,00,585। दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस A माइनस बी वी आर डूइंग। तो अभी हम थर्ड मंथ में जाएंगे, मार्च में लिखेंगे 1,00,585। फिर इसको ऐड करना है, यहाँ पे आपको थर्ड में आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे आएगा 1,90,085। फिर पेमेंट्स का टोटल करेंगे सिमिलर वे में। का टोटल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी कैलकुलेटिव है, सिर्फ आपको कैलकुलेशंस ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 59,110। ए माइनस बी है 1,32,975। वो हम लिखेंगे हमारे नेक्स्ट मंथ में, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,32,975। तो सबको ऐड करेंगे, विल बी गेटिंग द आंसर ओवर हियर एंड दैट विल बी 2,20,175। सिमिलरली विल मूव टूवर्ड्स द पेमेंट्स। अभी पेमेंट्स का यहाँ पे आपको टोटल मिल रहा है 7,7,7,0,1 को अगर माइनस करेंगे ए माइनस बी आएगा 1,42,574। दैट विल बी क्लोजिंग बैलेंस। या यहाँ पे ऊपर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये चैप्टर और काफ़ी ज़्यादा पेपर में भी टाइम लगता है। मे का हमारा बैलेंस है 1,42,574। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 6,8124। फिर पेमेंट्स में जाते हैं। पेमेंट्स में यहाँ पे पेमेंट्स का टोटल हमें करना है ध्यान से। पेमेंट्स का टोटल आता है 74,588। यहाँ पे हम लिखेंगे 74,588। अगर ए माइनस बी करोगे तो आ जाएगा बैलेंस क्लोजिंग 193,536 193,536। तो इसको अभी इधर लिखते हैं। अगले मंथ में जून में हमारा बैलेंस आ रहा है, बैलेंस ऑफ ए 193,536। इन सभी को आपको ऐड करना है, विल गेट द आंसर ओवर हियर 2,99,136। देन पेमेंट्स का टोटल करते हैं। यहाँ पे पेमेंट्स के लिए हमें टोटल मिल रहा है 1,16,805 1,16,805। यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे, यहाँ पे आपको क्लोजिंग मिलेगा 1,08,331। तो दिस इज दी क्लोजिंग बैलेंस एंड इसमें कोई क्रॉस वेरिफिकेशन हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो ध्यान रखना कि फर्स्ट मंथ का अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस गलत रहा तो वही कैरी फॉरवर्ड होता है सेकेंड में, और आपकी मिस्टेक फर्स्ट से कैरी फॉरवर्ड होते होते लास्ट तक जाएगी। So only point of cash budget is you should remember how to prepare the working notes. The major varieties which are usually asked in the paper, we have covered all these points in these two videos. तरीके से प्रैक्टिस करते रहे, बिकॉज ये जो कैश बजट है थोड़ा लेंथी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कैश बजट का जो हमने अभी इस क्वेश्चन में सीखा है। That's it from this video. Thank you very much all of you. Bye bye. Take care.